हेलो एवरीवन, मैं धीरेंद्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वीडियो सीरीज़ के इस क्रम में अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विषय का दूसरा अध्याय, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। तो आइए इसे प्रारंभ करें। देखिए, इस अध्याय में हम क्या क्या स्टडी करेंगे उसका एक आउटलाइन हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि एक्चुअल में प्रोसेस होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। फिर प्रोसेस स्टेट मॉडल्स को हम स्टडी करेंगे। मॉडल्स से परिचय आपका मतलब एक ढांचा एक से है, क्योंकि प्रोसेस स्टेट मॉडल्स के जो संरचना या ढांचे होते हैं वो किस तरीके से बनता है उसको अपन स्टडी करेंगे। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, जो प्रोसेसेस क्रिएट होता है उनको कंट्रोल करने के लिए जो ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन में स्टोर होती है, वो चीज़ हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में देखेंगे, ठीक है। और जो चौथा टॉपिक इस अध्याय में हम पढ़ेंगे वो होता है सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग से मतलब सीपीयू को किस तरीके से शेड्यूल करना, ठीक है, और ये किस तरीके से शेड्यूल किया जाता है। जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है, प्रोग्राम व्हेन इज़ इन एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम व्हेन इज़ इन रनिंग मोड, इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोसेस। तो देखिए, एक या एक से अधिक प्रोग्राम्स हो सकते हैं, प्रोग्राम के सब प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो जब ये प्रोग्राम रनिंग मोड में होते हैं तो प्रोसेसेस होती हैं, सब प्रोसेसेस होती हैं, तो किस प्रोसेस को कब सीपीयू एलोकेट करना होता है, ठीक है, किसको सीपीयू एलोकेट किया जाएगा, किसको वेट करना पड़ेगा, तो उस तरीके की शेड्यूलिंग को सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। तो वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। फिर प्रोसेस और थ्रेड क्या होता है प्रोसेस, ठीक है, तो ये हम पाँच टॉपिक इस अध्याय में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोसेस मैनेजमेंट और सीपीयू शेड्यूलिंग जो हम स्टडी करेंगे। फिर मेमोरी का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे भूमिका अदा करता है मेमोरी को मैनेज करने की, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, जब फाइल्स स्टोर करी जाती है, स्टोरेज होता है, तो किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही काम करता है, और वो किस तरीके से करता है वो टेक्निकली हम समझेंगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है, देखिए इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं, हर डिवाइस का एक क्या होता है, डिवाइस मैनेजर होता है, तो उसको भी किस तरीके से मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है वो इसमें देखा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सेकेंडरी का क्या मतलब हो गया कि जो सेकंड प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी में ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मेमोरी होता है, आपका प्राइमरी मेन मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब आपके हो गए हार्ड डिस्क हो गया, सिस्टम के अंदर लगी हुई हार्ड डिस्क हो गई। फिर और एक्सटर्नल हम चले जाएँ तो आपका पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड ड्राइवर्स डिस्क हो गई, तो उनमें स्टोरेज का किस तरीके से मैनेज करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से मैनेज करता है वो हम इसमें देखते हैं। नेटवर्किंग की बात कर ली जाए, जब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से नेटवर्किंग के थ्रू जोड़ा जाता है, तो वहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। देखिए, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अभी तक पहले अध्याय में हमने समझा, ये समझ में आया कि ये एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ये मध्यस्थ की भूमिका एक यूज़र से लेकर हार्डवेयर के बीच में निभाता है। अब इसके अलावा वही सिस्टम को अगर आप दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर इसकी भूमिका की मध्यस्थता जो है और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो नेटवर्किंग के अगर अपन चर्चा करते हैं, नेटवर्किंग के विषय में अगर अपन अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से रोल प्ले करता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रोटेक्शन सिस्टम, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है या आप जो विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो किस तरीके से आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी को मैनेज करता है, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन एज अ प्रोटेक्शन सिस्टम में भी इसकी भूमिका होती है। कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम, अब कमांड इंटरप्रेटर का क्या मतलब है, इंटरप्रेटर का मतलब ये होता है कि वो
जो इंटरप्रिटेट करता है कि इसका क्या मतलब होगा या हो सकता है बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस, ठीक है, उसको जो जिस तरीके से ट्रेंड किया जाता है उसके हिसाब से वो जो उसको निर्देश दिए जाते हैं उनको इंटरप्रिटेट करता है और उसको डिकोड करता है या फिर इनकोड करता है, ठीक है। डिकोड किसके लिए करता है, अगर डिकोड करना है जैसे उसको कोई इंस्ट्रक्शन अगर हार्डवेयर को दिया गया है तो हार्डवेयर के लिए वो यूज़र के द्वारा इनकोडेड इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और इसी तरीके से वो डिकोड करता है जब हार्डवेयर उसको हार्डवेयर उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है यूज़र को देने के लिए, तो यूज़र उसको समझ नहीं सकता तो यूज़र को समझाने के लिए वो हार्डवेयर लैंग्वेज को डिकोड करता है यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर की तरह है। अब रिसोर्स मैनेजर की तरह जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ पहले, जैसे रिसोर्स का क्या मतलब है, आपका जो रिसोर्सेज में हम कंसीडर करते हैं वो आपका होगा मेमोरी, ठीक है, आपका मेमोरी रिसोर्सेज होता है, आपका प्रोसेसर रिसोर्सेज होगा, ठीक है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो रिसोर्सेज होंगे, ओके। तो किस तरीके से, जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम में आप देख रहे हो यहाँ पे एक मेमोरी होता है, ठीक है, इस मेमोरी के अंदर कौन कौन सी प्रोग्राम्स लोड होते हैं, कोऑपरेटिव सिस्टम के प्रोग्राम लोड होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स एंड डेटा, ये प्रोग्राम्स एंड डेटा कौन सा होता है, वो प्रोग्राम्स जो यूज़र लोड करता है मेमोरी के लिए, मेमोरी में अपने काम करवाने के लिए, तो ये वो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मेमोरी कैसे किसको कितना अलोकेट करना है वो डिसाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसी तरीके से प्रोसेसर की अगर अपन जब बात करें यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो प्रोसेसर, ठीक है, तो ये प्रोसेसर भी किसके कंट्रोल में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में होता है। प्रिंटर, कीबोर्ड और डिजिटल कैमरा, ये सब क्या है, ये सब आपके डिवाइसेज हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं, बट देखिए एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं लेकिन इनके जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो कहाँ पर इंस्टॉल होते हैं, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, और सिस्टम में जब भी कोई चीज़ इंस्टॉल हो गई तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की पहुँच में आ जाती है, ठीक है। ये आप देख रहे हो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, मतलब प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा आपका हो गया है, ठीक है। और इसी तरीके से जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में अगर कोई एक्सटर्नल स्टोरेज जोड़ दिया जाता है तो वो भी कैसे मैनेज होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज होता है। तो देखिए किसी भी सिस्टम या कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं उसके अंदर जो मेमोरी, उसमें लगे हुए जो भी डिवाइसेज हैं, एक्सटर्नल कह लीजिए या इनपुट डिवाइसेस कह लीजिए या एक्सटर्नल पोर्टेबल डिवाइसेस भी जब कनेक्ट होता है तो उन सबको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस क्या है, देखिए प्रोसेस होता है प्रोग्राम मैनेजिंग एग्जीक्यूशन, उसको अपन बोलते हैं प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन मोड में होता है तो उसको अपन प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस इज नॉट सेम एज प्रोग्राम कोड बट a lot more than it, ठीक है। A process is an active entity as opposed to the program which is considered to be a passive entity, ठीक है। Active का मतलब क्या होता है, जो active है, जो action कर रहा है, जो action perform कर रहा है, और passive का क्या मतलब होता है, passive का मतलब जो static है, जो रुका हुआ है, जो planned है, मतलब जो सिर्फ planning है, ठीक है। देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पीस ऑफ कोड लिखते हैं, जब ये सी प्रोग्राम जब आप तैयार करते हो तो टेक्स्ट एडिटर में आप abc.c से जब आप ये फाइल क्रिएट करते हो विद सी एक्सटेंशन के साथ, तो यहाँ पर आप हैश इंक्लूड और फिर जो पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड जो आप लिखते हो ये क्या है, ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम होता है। लेकिन ये प्रोसेस कब बनता है, जब इस प्रोसेस को पहले कंपाइल कर दिया जाता है, ठीक है। कंपाइल करने के बाद आपके पास एक एग्जीक्यूटिव फाइल क्रिएट होती है, ठीक है, डॉट एग्जीक्यूटिव फाइल, और आप इसको क्या करते हो, जब आप इसको रन करते हो तो ये जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो ये क्या बन जाता है, ये एक प्रोसेस हो जाती है, ठीक है।
अब देखिए इस प्रोग्राम के अंदर और भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, तो एक प्रोसेस के अंदर और भी प्रोसेस रन हो सकती है। एक प्रोसेस क्रिएट हुआ तो उसके साथ साथ सब प्रोसेसेस भी क्रिएट होता है। एट्रीब्यूट्स हेल्ड बाय प्रोसेसेस इंक्लूड हार्डवेयर, स्टेट, मेमोरी, सीपीयू एटसेट्रा। ओके, तो देखिए जब प्रोसेस का मतलब हो गया प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे प्रोसेस, जब प्रोसेस के अपन जब बात कर रहे हैं तो प्रोसेस के पास में क्या क्या हो सकता है। हार्डवेयर के अपन बात करें तो प्रोसेस की स्टेट हो सकती है, अब ये स्टेट को मैं आगे बताऊंगा प्रोसेस की कौन सी स्टेट्स होती हैं। प्रोसेस मेमोरी होल्ड करके रख सकता है, मतलब प्रोसेस को कहाँ लोड किया जाता है, मेमोरी में, तो उसने मेमोरी का कुछ पोर्शन ऑक्यूपाई कर लिया। प्रोसेस सीपीयू होल्ड करता है, क्योंकि प्रोसेस क्या चाहता है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन फिनिश करना चाहता है, तो फिनिश कौन करेगा, जब सीपीयू होगा उस पर, तो सीपीयू, ये चीज़ें, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं हार्डवेयर, स्टेट, मेमोरी और सीपीयू, प्रोसेसर्स के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, प्रोसेस मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शन फॉर एफिशिएंट वर्किंग। एफिशिएंट वर्किंग के लिए जो प्रोसेस की मेमोरी होती है उसको अपन चार सेक्शन में विभाजित करते हैं। तो दिस द टेक्स्ट सेक्शन इज मेड अप ऑफ कंपाइल्ड प्रोग्राम रीड इन फ्रॉम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज व्हेन द प्रोग्राम इज लॉन्च। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया जब आप सी प्रोग्राम लिखते हो तो सी प्रोग्राम आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो, हाँ, मतलब आपको सिंटेक्स और सिमेंटिक का ध्यान रखना होता है, क्योंकि सी प्रोग्राम जो सी कंपाइलर होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही आप इंग्लिश लैंग्वेज में उस लाइन ऑफ कोड लिखते हो। ठीक है, तो कंपाइलर उसको समझ सके। तो टेक्स्ट सेक्शन होता है प्रोसेस का, मतलब प्रोसेस को तैयार होने से पहले कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड होता है, जिसको नॉन वोलेटाइल, मतलब नॉन वोलेटाइल बोल सकते हैं, इन फ्रॉम नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो टाइप का मेमोरी होता है। जब प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है तो कंपाइल्ड प्रोग्राम, ठीक है, कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करके क्या करता है, कंपाइल्ड फाइल जनरेट करता है। ठीक है, हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में GCC ABC.C करके जिस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होता है। ठीक है, द डेटा सेक्शन इज मेड अप ऑफ ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स एलोकेटेड एंड इनिशियलाइज प्रायर टू एग्जीक्यूटिंग द मेन। ठीक है, तो देखिए प्रोसेसेस को अपन, प्रोसेस मेमोरी को अपन चार सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड होता है, ठीक है, कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड होता है, फिर ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूशन होने से पहले ठीक है इनिशियलाइज कर देता है डेटा को। ठीक है, हीप होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, तो हीप को मैनेज करके रखा जाता है वाया कॉल्स टू न्यू डिलीट मेलॉक फ्री और एटसेट्रा। तो चौथा आपका होता है लोकल वेरिएबल्स, स्पेस ऑन स्टैक इज रिजर्व फॉर लोकल वेरिएबल्स व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो प्रोसेस मेमोरी को चार सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका कंपाइल प्रोग्राम कोड के लिए सेक्शन, जिसको अपन टेक्स्ट सेक्शन बोलते हैं। दूसरा आपका होता है डेटा सेक्शन, जिसमें अपन ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स को पहले से इनिशियलाइज कर देते हैं। तीसरा होता है आपका हीप, ये भी एक सेक्शन है, हीप बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए काम में लिया जाता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब होता है, देखिए जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो एग्जीक्यूशन के दौरान रिक्वायर्ड मेमोरी, ठीक है, वो ठीक है, जो एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम को जो मेमोरी लगेगी, ठीक है, देखिए डायनेमिक का मतलब होता है, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक होता है। स्टैटिक में तो पहले से डिफाइंड होता है कि ये प्रोग्राम ऐसे रन करेगा, इसको इतनी इतनी मेमोरी लगेगी, लेकिन मान लीजिए प्रोग्राम इस तरीके से क्रिएट किया गया है जिसमें प्रोग्राम यूज़र से इनपुट लेता है और यूज़र के इनपुट के आधार पर उसको जब रन होना होता है तब मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है, तो वह उसे हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो हीप टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है, एंड इसको मैनेज कैसे किया जाता है, मैनेज करने के लिए जो सिस्टम कॉल्स होती हैं वो ये होती हैं आपकी न्यू डिलीट मेलॉक एंड फ्री। ठीक है, अब आगे भी देखेंगे हम अपने जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट है इसमें आप डिटेल में देखोगे कि किस तरीके से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आप कर सकते हो जब आप प्रोग्राम लिखते हो, रन होते टाइम मेमोरी एलोकेट होता है। ठीक है,
द स्टिक इज यूज फॉर लोकल वेरिएबल्स. स्पेस ऑन द स्टिक इज रिजर्व फॉर लोकल वेरिएबल्स व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड. तो चौथा सेक्शन होता है लोकल वेरिएबल्स के लिए, ठीक है. और इसके लिए किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, ये स्टिक, ठीक है, ये स्टिक डेटा स्ट्रक्चर अपन यूज करते हैं. ओके, अब प्रोसेस मैनेजमेंट का क्या मतलब है. देख, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, और प्रोसेस का प्रबंधन करना है ही प्रोसेस मैनेजमेंट होता है. प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम जब रन कर रहा होता है या एग्जीक्यूशन में होता है उसको अपन प्रोसेस बोलते हैं. प्रोसेस को क्या क्या आवश्यक होता है, रिसोर्सेज आवश्यक होते हैं, ठीक है. जिसमें रिसोर्सेज में अपन बात करें, उसको CPU चाहिए, इंक्लूडिंग CPU टाइम, कितने टाइम के लिए वो CPU को मतलब बिजी रखेगा. फिर उसको मेमोरी चाहिए, और उसको फाइल्स चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए अपने काम को पूरा करने के लिए. तो प्रोसेस एक्चुअल में एक प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और जब और प्रोसेस को इस एग्जीक्यूशन के दरमियान रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है. रिसोर्सेज में CPU टाइम मतलब जो CPU को कितने देर के लिए वो अपने लिए अपने काम के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है. देखिए, CPU को आप इस तरीके से समझिए, CPU एक टूल है, ठीक है. आपकी हर तरीके की समस्याओं को सुलझाने के लिए CPU एक टूल है जो प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, ठीक है, आपके काम के लिए प्रोसेसिंग करता है. उसके अलावा फिर मेमोरी, कौन से फाइल्स की आवश्यकता होती है.